Hello guys, welcome back to my channel and I am Divya and here I am with a new vlog. No vlog. This is a video regarding my hair care. और जैसे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मैसेजेस भी आते हैं, क्वेरीज भी आती हैं कि दिव्या आपके बाल मतलब इतने अच्छे कैसे हैं, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हैं, तुम कौन सा ऑयल लगाती हो, कैसे केयर करती हो अपने बालों की, वो प्लीज़ हम लोगों को बताओ। तो इसलिए मेरे बाल गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे वैसे नहीं हैं क्योंकि अभी जैसे विधान जब से मेरा बेबी हुआ है और विधान अभी 14 मंथ्स का हो गया है और जब ये सिर्फ 3 मंथ्स का था ना तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा तब से ही हेयर फॉल मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, एकदम एक्सक्लूसिवली मेरे को ना हेयर फॉल होता था। तो इसलिए मेरे बाल अभी बहुत पतले हो चुके हैं लेकिन स्टिल अभी भी उतने भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैं उनको ख़राब ना होने देने के लिए उनकी केयर करती हूँ। मैं एटलीस्ट वीक में 2 टाइम्स ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ अपने बालों में ताकि जो मेरे बाल हैं वो वापस से रीग्रो हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े मेरे बाल कम हल्के हो गए हैं तो यहाँ पे जब मैं ऑयलिंग करती रहूँगी तो ये वापस से रीग्रो करेंगे और अगर मैं नहीं करूँगी तो ऑफकोर्स मेरे बाल वापस नहीं आएंगे। तो इसी पर मैं आज एक वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और अगर आप लोगों को और भी इस चीज़ से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की और क्या आप चाहते हैं मेरे से, मैं कौन सी वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो बस लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एंड हियर यू कैन सी विधान जो अब अपनी हॉर्स को एक कहीं भी मूव कर लेता है, कहीं भी इसको लेके चला जाता है, टर्न कर लेता है इसको। विधान विधान घोड़ा। अरे विधान तो काम भी बढ़ाता चलता है ना। जाओ विधान वहाँ जाओ। ये विधान इधर देखो, सी हियर, आहा देखिए कैसे घोड़े को टर्न कर लेता है विधान इजीली। अभी मैंने विधान के बाल नहीं बनाए हैं, अभी मैं बस उसके बाल बनाऊंगी। मस्ती टाइम। विधान अभी बस थोड़ा सा अपना पावर नैप लेके उठा है 15 मिनट्स सो करके, तो अभी मैं जाऊंगी विधान को कुछ खिलाऊंगी। हे विधान। सो गाइस जस्ट लेट्स स्टार्ट हाउ टू हेयर ऑयल। तो गाइस कैन यू सी माय हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बालों को थोड़ा सा शॉर्ट करवाया है। आप देख सकते हैं मेरे बाल ये यहाँ तक, ये मैंने अभी थोड़े से शॉर्ट करवाए हैं क्योंकि मेरे बाल ना हेयर फॉल होते होते एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना नीचे से वो हो गए थे, लेकिन जैसे होता है ना पूंछ सी बन गई थी तो मैं वैसे बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने इनको शॉर्ट करवाया है। मतलब कम से कम मैंने इतने बाल अपने कट करे हैं मैंने, और मैंने ये खुद से ही करे हैं घर में ही। मैं कहीं बाहर पार्लर वगैरह में नहीं गई थी कट करने के लिए। सो नाउ यू कैन सी कि मतलब मेरे बाल अब मतलब जितने ऊपर हैं उतने ही मेरे नीचे भी बाल हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों पर। तो गाइस मैं ये आप देख सकते हैं ये कोकोनट ऑयल, मैं हमेशा अपने बालों पर मतलब बचपन से ही मैं अपने बालों पर हमेशा कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये मेरे बालों पर अच्छा सूट होता है। मेरा इससे हेयर फॉल भी थोड़ा कम होता है, अभी बीच में थोड़ा सा ज़्यादा रहा था 6-7 मंथ्स, लेकिन इससे थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ता है अच्छा क्योंकि मेरे को ये हमेशा से सूट करता है और मे बी ये हम में से काफ़ियों को सूट करता है ये ऑयल। तो अभी हम इसको हेयर ऑयलिंग स्टार्ट करने के लिए अब हम लोग ये एक मैंने कटोरी ली है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे।
ये मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल लिया है और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसको मैं अभी यहाँ रखूँगी। और यहाँ पे विधान है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे डर लग रहा है वो ऑयल गिरा नहीं दे। विधान जाओ वहाँ खेलो, जाओ जाओ खेलो, ये लो ये ये लो ये लो ये लो, जाओ लो जाओ। तो ये ऑयल है गाइस, मैं इसको कहाँ रखूँगी। हाँ तो अब आपने कैसे करना है, आपने पहले अपने हेयर्स को अपने बीच में से इक्वल पार्टीशन में कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। और ऐसे करके आपने ज़्यादा फोकस गाइस आपके स्कैल्प पे करना है, क्योंकि स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका ऑयल, क्योंकि सारा नरिशमेंट आपका जो होता है ना ऑयल का, वो स्कैल्प के थ्रू ही आपके अंदर हेयर्स में जाता है, जिससे आपके बाल वापस बढ़ते हैं। तो आपने ना हर स्कैल्प में ऐसे 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 करके ना अंदर अंदर तक ऑयल को लगाना है, जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे ऐसे करके ना स्कैल्प में आपने पूरा अंदर तक पार्टीशन कर करके आपने लगा लेना है अच्छे से। हेयर ऑयलिंग आपके हेयर्स को अच्छे से ग्रो होने के लिए और हेयर फॉल से बचाने के लिए हेल्प करता है। आपको जो भी आपको हेयर आपके हेयर्स को सूट करता हो ऑयल, आप वही ऑयल लगाइए, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये ऑयल सूट करता है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि कोकोनट ऑयल ना काफ़ी लोगों को सूट करता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसको हेयर फॉल का ज़्यादा इशू हो, प्लीज़ जस्ट ट्राई दिस ऑयल, बिकॉज हेयर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। देख सकते हैं मेरे बालों में ऑयल, अपनी ज़्यादा फोकस जो है ना वो यही करना है गाइस। और आपको ना अपने बालों को क्लीन भी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप बालों को वीक में कम से कम 3 times वॉश कीजिए पॉसिबल। अगर आपके थोड़े शॉर्ट हेयर हैं तो आप 3-4 times आराम से वॉश कर सकते हैं, और अगर आपके हेयर लॉन्ग हैं तो एटलीस्ट 2 times यू शुड वॉश योर हेयर, 2x a week, दिस इज मैंडेटरी। सो एक साइड में कंप्लीट कर चुकी हूँ यहाँ पे ऑयलिंग का प्रोसेस, अभी मैं सेकेंड साइड पे लगाऊंगी। सेम प्रोसेस आपने सेकेंड स्कैल्प पे ऑयल लगाना कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब इसके बाद ना आप थोड़ा सा अपने स्कैल्प को ना ऐसे करके लाइटली मसाज दीजिए, ऐसे ना जो ऑयल है वो स्टिमुलेट होगा आपके सेल्स के अंदर, जब जाएगा ना तो ऐसे आपके हेयर रीग्रो होंगे, थोड़ा सा ऑयल को अंदर सेटल होने देंगे हम ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा एकदम। आपने नेल्स नहीं मारने, आपने जो फिंगर टिप्स होती हैं ना इनसे आपने ऐसे ऐसे थोड़ा मसाज कर लेना है। और यस गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ स्कैल्प ही ज़रूरी है, ये जो आपका लोअर पोर्शन होता है यहाँ पर भी ऑयल अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इसीलिए प्लीज इस एरिया को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये फिर हमारे दो मुँहे बाल हो जाते हैं, ख़राब बाल हो जाते हैं। तो ऑयल जो है ना वो पूरे ही बालों में ज़रूरी है गाइस, तो पूरे ही बालों में इसको ऐसे स्प्रेड कर लीजिए लाइक दिस। स्प्रेड कर
और ऑयलिंग करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, आपने अच्छे से ऑयल लेना है और अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। और आप ऑयलिंग करके आप नेक्स्ट मॉर्निंग, आप नाइट में ऑयलिंग कर लीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने हेयर वॉश कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ गाइस, तो मैं एटलीस्ट 1 डे इसको छोड़ती हूँ ताकि मेरे बालों को उसका प्रॉपर नरिशमेंट मिले। मेरे बालों में मैंने अब ऑयल को पूरे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है और अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है ऑयल। मैं थोड़ा सा ये सेंटर में लगाना भूल गई थी। लुक गाइस, मैंने पूरे बालों में अपने ऑयलिंग कर ली है और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने कैसे अपने बालों को कॉम करना है जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो कम से कम हो। क्योंकि काफ़ी लोग ना डायरेक्ट यहाँ से कॉम करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत मेथड है गाइस। आपने हमेशा कॉम्बिंग जो है वो नीचे से, आपके नीचे के बालों से स्टार्ट करनी है, लाइक दिस ऐसे शुरू करना है। आप नीचे से अपने बालों में कॉम्बिंग शुरू करेंगे और नीचे से बढ़ते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे ऐसे। देख विधान, विधान को ये ऑयल की कटोरी चाहिए, तो मैं उसको ये दे देती हूँ खेलना है। लो विधान, अपने नीचे से ऊपर तक ऐसे आना है। मेरे नीचे के बाल सुलझ चुके हैं, अभी देखिए मैं ऊपर जा रही हूँ। ऐसे जो आपका हेयर फॉल है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। और हमेशा अपने बालों को सॉफ्टली कॉम करना है, कभी भी उस पर हार्श नहीं होना है। हमेशा आप इसको सॉफ्टली ऐसे कॉम करेंगे। देखिए मेरा एक भी हेयर टूटा नहीं है मेरा अभी। आप दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, नीचे से आप बालों को कॉम करेंगे लाइक दिस, और नीचे से आप धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे। गाइस मेरे बाल इतने जल्दी इसलिए सुलझ गए हैं क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भी नहाने से पहले अपने बालों को, जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं एक बार अपने बालों को ना कॉम कर लेती हूँ तो नहाने के बाद, इसलिए मुझे ना अभी दिक्कत नहीं है अपने बालों को सुलझाने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं अपने बालों को कॉम करने में। अब तो फिर भी पतले हो गए हैं, पहले काफ़ी अच्छे थे तो बड़ा टाइम लगता था। देखिए गाइस मेरे बाल बहुत ईजिली मैंने सुलझा लिए हैं। हमेशा अपने नीचे से ही कॉम करना है अपने हेयर को। अब मैं इसको आज अपने बालों में ऐसे ही छोड़ूंगी और कल मॉर्निंग में होपफुली मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी ताकि मेरे बाल अच्छे हो जाएं और एकदम सॉफ्ट हो जाएं। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगी गाइस कि आप अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करिए। ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस हमारे बालों के लिए, क्योंकि हमारे बालों को भी अच्छा पोषण चाहिए। जैसे हमको चाहिए, हम खाते हैं हेल्दी रहने के लिए, वैसे हमारे हेयर्स को भी ज़रूरत है अच्छे नरिशमेंट की, जो एक अच्छा हेयर ऑयल दे सकता है। आपको जो सूट करे आप वो यूज़ कीजिए। बाकी मैं हमेशा से ये कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। एंड सेकेंड इज़ आपके बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, मैं इसके ऊपर भी एक अच्छी वीडियो, अभी एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी जिससे आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत स्ट्रांग रहेंगे और आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। ये तो हेयर ऑयलिंग का था।
नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो वीडियो दूंगी उस वीडियो में यही होगा कि आप कैसे अपने बालों की हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी लड़कियों को इससे हेल्प मिले कि कैसे वो अपने बालों को सेव कर सकती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विधान भाग गया विधान विधान मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं करने देता है, बहुत तंग करता है, बट इट्स ओके, बच्चा है वो तो करेगा ही। तो नेक्स्ट गाइज, आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस चीज़ पे ब्लॉग चाहिए, आप क्या चाहते हैं मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, स्किन केयर पे और हेयर केयर पे और कुछ भी जो भी आप चाहें, कोई कुकिंग रेसिपी कुछ समथिंग या विधान से रिलेटेड कुछ भी, विधान बेबीज़ रेसिपीज़ के रिगार्डिंग या फिर बच्चे की मैं कैसे केयर करती हूँ, उसके क्या मैं बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, आपको जो भी चाहिए वो वीडियो प्लीज़ कॉमेंट ऑन माई वीडियो गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू वेरी मच।